हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। क्या हाल समाचार है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, लगभग हमको ऐसा लग रहा है कि 15 या 16 दिन बाद। थोड़ा हम लोग कुछ काम में बिजी हो गए थे तो क्लास लेने के बाद समय नहीं मिल पा रहा था। बीच में दुर्गा पूजा का छुट्टी आ गया था तो हम लोग CI पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन वो थोड़ा उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आज से नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस। थोड़ा सा वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो लाइट साइड का तो मैनेज कर लीजिएगा, साउंड का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भले मेरा शक्ल ठीक से दिखे नहीं दिखे, ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरह से दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको स्पेशल फोटोग्राफर वाला कोर्स करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, रुक जाइए। शादी वादी का लगन आएगा, कोई कैमरा वाला के साथ हम उसमें अटैच हो लेंगे। एक आध महीना का ट्रेनिंग में तो हम ट्रेंड हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सचिन कुमार कृष्णा, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा और साथ ही साथ सृष्टि क्लासेज में स्वागत करता हूँ। सृष्टि क्लासेज हाजीपुर रामबालक चौक पे है। आप देख रहे हैं सृष्टि क्लासेज में सारे विषयों और सारे कोर्सेज, जितने भी कंपटीशन का एग्जाम है उन सब का तैयारी होता है, UPSC को छोड़ के। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आज से जो शुरू करेंगे वो है हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अब से हम डेली पढ़ाएंगे, रेगुलर कोई ना कोई वीडियो आते रहेगा जो आपको अपने क्लास में या कोर्स में, यानी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें हेल्पफुल होगा तैयारी करने के लिए। तो चलिए, सब बात को ध्यान रखते हुए आज हम स्पेशल इसको शुरू करेंगे, जिसका आज क्लास में भी यही शुरू हुआ है, तो जिनका छूट गया है वो इसको आप देख लेंगे। ठीक है ना? बाकी अगर कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताएंगे, या कोई और टॉपिक पढ़ना है तो एक बार उसको आप मैसेज कर देंगे कि हाँ सर हमको यह टॉपिक पढ़ना है। उसके लिए आप हमको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9570601154। इस पर एक्स्ट्रा फालतू का मैसेज नहीं करेंगे, काम का मैसेज करेंगे। जैसे कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई डाउट है तो आप उस चीज़ के बारे में बताएंगे, ना कि बिना मतलब के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब करने से टाइम आपका भी वेस्ट होगा और हमारा भी वेस्ट होगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, अभी शुरू करेंगे हम लोग। थोड़ा सबसे पहले आप जानते होंगे बेसिक बात, हम स्पीड ये सब चीज़ हमको फिजिक्स में मिलता है, लेकिन आप स्पीड तो जानते होंगे। स्पीड किसको कहते हैं? सब के सब जानते हैं स्पीड क्या होता है, जिसको हम लोग चाल कहते हैं। हम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बहुआ वाला स्पीड टाइम डिस्टेंस से शुरू करेंगे और कहते नहीं सियान वाला तक हम पढ़ा देंगे, यानी कि जीरो लेवल से हाई लेवल तक का आप SSC CGL दीजिए या जो भी एग्जाम देना, जहाँ भी पूछा जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन, वो सवाल आपसे बन जाएगा। तो थोड़ा स्पीड के बारे में हमको बताइए कि स्पीड क्या होता है। स्पीड अगर हम ऐसे कहें, बेसिक डायरेक्ट अगर कहें, तो डिस्टेंस अगर आप चल रहे हैं, ठीक है ना, तो जो डिस्टेंस चल रहे हैं पर यूनिट टाइम, आप किसी टाइम को एक यूनिट मान लीजिए, पर यूनिट टाइम में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। जैसे ऐसे समझाते कि अगर आप एक आवर में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आपका जो स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक है? और अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मिनट में आप 500 मीटर चल रहे हैं, तो आपका स्पीड 500 मीटर प्रति मिनट या पर मिनट हुआ। और अगर आप एक सेकेंड में 30 मीटर चल रहे हैं, तो अब आपका स्पीड 30 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आइए समझ में। तो ये आपका है स्पीड का बात, यानी कि पर यूनिट टाइम। अब जिस भी आप घंटा में यूनिट मान के चले, या आप मिनट में मान के चले, या आप सेकेंड में मान के चले, लेकिन क्वेश्चन जैसे देगा वो आपका मीटर पर सेकेंड सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा, यही दो चीज़ है। ये बहुत कम मेंशन होता है मिनट वाला। आप मिनट भी आएगा ना तो आप सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, इतना आप अच्छे जानते हैं कि एक मिनट में हमारा कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, और एक आवर में हमारा, एक घंटा में हमारा 60 मिनट होता है। यानी आप चाहें कि आपके पास एक घंटा है उसको आप मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट होगा, और वापस फिर सेकेंड में जाना चाहे तो हम कह सकते हैं कि सर एक घंटा में हमारा 3600 सेकेंड होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये चीज़ है स्पीड के बारे में। फिर क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है,
ये बैकग्राउंड चेंज कैसे हो गया, कैसे हुआ? एक मिनट रुक जाइएगा, रुके रुके रुके, पहले से कुछ खुला हुआ था क्या? इसको डिलीट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर वही आएगा। यहाँ से कुछ चेंज हुआ है इसका मतलब? ओहो नहीं नहीं वो ये वाला करिए, आगे देखिए क्या हो रहा है, फिर आगे हो रहा है। इसको कोई छेड़छाड़ किया है क्या? नोट, चलिए चलिए अब ठीक हो गया। सॉरी इतना डिस्टरबेंस के लिए गया सबका। ये बीच में इसको डिलीट कर देता। चलिए देखेंगे आगे, अगर वही हमारा तो अब सबसे पहले यहाँ ये चीज तो पर है, मतलब उसको देख के हमें पता चलता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस और बटा टाइम। आप जानते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं और स्पीड को चाल कहते हैं। ये सबसे बेसिक कॉमन फार्मूला है जो बचपन में खूब पढ़े होंगे, फिजिक्स के टीचर भी पीट पीट के याद करवाए होंगे। और यहाँ से अगर हम टाइम का फार्मूला देखें तो कहेंगे कि सर डिस्टेंस ये नीचे आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? स्पीड। और अगर यहाँ से हम डिस्टेंस का फार्मूला देखें तो वो हमारा होगा स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, ये तीन फार्मूला है, ये तीन फार्मूला ही आपका काम आएगा, भले क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो। लास्ट में ऐसा ही चीज पूछा जाएगा टाइम डिस्टेंस स्पीड में कि यही तीनों का फार्मूला लगाना होगा। खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, लास्ट में टाइम पूछा जाएगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, लास्ट में आपको स्पीड पूछा जाएगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा और डिस्टेंस पूछेगा, तो एटलीस्ट आपको लास्ट में ये फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो ये छोटा सा फार्मूला है, आप याद रखिए। जैसे अभी बेसिक क्वेश्चन ऐसा सवाल पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर पूछता है, बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है भाई ये, कहाँ मतलब छेड़छाड़ कैसे हो जाता है समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा कभी सिंपल, देखिए इतना भी अच्छा नसीब नहीं है कि आपसे जाए सीधा परोस दे ऐसा क्वेश्चन, और परोस दे तो बहुत अच्छा बात है। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर आप डिस्टेंस बोलेगा कि आपने चला डिस्टेंस चला 50 किलोमीटर, आपने क्या चला 50 किलोमीटर चला, कितना टाइम में चला, तो आपसे बोलेगा कि 10 घंटा में चला, तो पूछा जाएगा कि आपका स्पीड क्या है। तो बस सीधा सीधी बात है कि आप 10 घंटा में 50 किलोमीटर चले तो एक घंटा में कितना चलेंगे, यूनिट आए 10 घंटा का यूनिट तो एक घंटा हुआ ना, तो आप एक घंटा में कितना चलेंगे। तो ऐसे भी स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है। तो हम अगर सीधा कहें तो डिस्टेंस हमारा कितना है 50 किलोमीटर और टाइम हमारा कितना है सर 10 घंटा, तो हम यहाँ से कहते कि जो हमारा स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड। ये सबसे सीधा और इजी क्वेश्चन है। आप इस खुश नहीं हुई है, हो सके ये सब चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, आप इसके लिए नहीं पढ़ रहे, ये तो बचपन में है। अब इतना तो पढ़े हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए। या अगर ऐसे करके दे दिया आपको, आपको बोल दिया गया कि आप स्पीड जो है आपका इतना है, स्पीड जा रहे हैं आप 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागे जा रहे हैं, और पता चला कि आपने जो भागा वो कितना देर भागा, आपने भागा 5 घंटा भागा, तो आपसे अब पूछेगा कि आप कितना डिस्टेंस कितना दूरी गए। आप जहाँ से भागना शुरू गए तो आप डिस्टेंस कहाँ चले गए, कितना दूर पे चले गए, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड स्पीड गुना टाइम। तो हम कहेंगे सर स्पीड कितना था आपका, तो आपका स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति आवर, और टाइम कितना है सर, तो टाइम आपने भाजा 5 आवर, आवर से आवर कट जाएगा हमारा, तो क्या होगा सर 30×5=150। यानी सर आपने जो भाग के गया वो कितना दूर भाग के गया, 150 किलोमीटर भाग के गया। तो ये छोटा सा बात है, इस पर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना। अगर ये पूछता है तो आपके लिए अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज़ है कि जो आप जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सेम सवाल रहता है, इतना ही चीज़ को लगाना है आपको, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा क्या होता है कि सवाल आपका बड़ा हो जाता है। सवाल बड़ा क्या होता है कि थोड़ा घुमाएगा। जैसे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं और उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे है कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये जगह का नाम हम यहाँ देते हैं ए और ये जगह का नाम हम यहाँ देते हैं बी, क्लियर है। अभी अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक इंसान है, मान लेते हैं ये राम है और इधर रहीम है,
ये जो यहां से यहां का गैपिंग है ना उसको डी किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अभी डिस्टेंस दोनों के लिए फिक्स है, राम भी उतना ही डिस्टेंस चलेगा और रहीम भी उतना ही डिस्टेंस चलेगा, तो डिस्टेंस यहां पे हमने क्या किया है, फिक्स किया है। यानी अगर देखा जाए सर तो दोनों के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि राम थोड़ा ज्यादा चल लिया और रहीम थोड़ा कम चल लिया। यहां पे डिस्टेंस दोनों इंसान के लिए फिक्स है, राम के लिए भी और रहीम के लिए भी। अब यहां से हम बोल रहे हैं कि राम का जो अपना स्पीड है ना वो एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, यहां से यहां जाएगा वो, और रहीम जो है ये सर वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब अगर यहां हम आपको बोले कि राम डी किलोमीटर गया एक्स के स्पीड से, रहीम डी किलोमीटर गया वाई की स्पीड से, तो जाने में दोनों को कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, राम को भी लगेगा रहीम को भी लगेगा। तो सर अगर इसको टाइम अगर पूछे कि इसका टाइम कितना लगा यानी यहां पहुंचने में, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो सर हम यहां ये कह सकते हैं कि सर इसका डिस्टेंस डी था और इसका स्पीड था कितना, एक्स, आवर में आएगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। हम सिखाएंगे, किसी के मन में होगा सर शुरू किए और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, ऐसे सिखाएंगे जब हम लोग शुरू कर लेंगे ना सब सिखा दें। और अगर इसको राम को अगर समय यहां से देखे कि इसको कितना समय लगेगा, तो इसको समय लगेगा सर डिस्टेंस बटा वाई, डी बाई वाई, यही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों सवाल दोनों को देखते हैं। अगर हम पूछे, एक है हम आपका हमारा राम और एक है हमारा रहीम, हम बोले कि दोनों के स्पीड रेशियो बताइए, क्या ये इधर वाला दिखाई दे रहा, दिख रहा है, हम नहीं दिखे कोई बात नहीं, स्पीड रेशियो यानी स्पीड का अनुपात क्या है, तो राम का एक्स है और वाई का इसका क्या है, वाई। और अब इनका हम टाइम रेशियो देखें, तो आपने टाइम रेशियो टाइम निकाला है, कितना टाइम लगाया है राम, तो टाइम राम लगाया है d बाई एक्स, रहीम ने कितना समय लगाया है, तो इसने लगाया है d बाई वाई। आप d से d काट देंगे, फ्रैक्शन में रेशियो नहीं छोड़ते, ये 1 बाई एक्स है, 1 बाई क्रॉस करना पड़ेगा, यानी y इज टू में क्या है सर हमारा x, और दिस इज सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को जल्दी करने का, क्या कॉन्सेप्ट है कि सर, और इससे सवाल खूब आता है, यानी इसमें अगर गौर से देखें कि डिस्टेंस आपका फिक्स है, या तो दो आदमी उतना ही डिस्टेंस चल रहा है या आप ही एक बार जाओगे और एक बार आओगे, तो जाने में अलग समय लगेगा या अलग स्पीड से जा रहे हो, आने में अलग समय लग सकता है या अलग स्पीड से जा रहे हो, तो आप यहाँ पे सीधा सिंपल बात है कि आपका जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो डिस्टेंस जब कॉन्स्टेंट है तो गौर से देखिए कि जो रेशियो दोनों के स्पीड का है उसी का उल्टा रेशियो दोनों का क्या है सर हमारा, टाइम का है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि जब कांस्टेंट हो हमारा क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो स्पीड का रेशियो जो है ना, स्पीड रेशियो जो है वो कितना होगा सर, तो टाइम रेशियो का उल्टा होगा, यानी कि 1/time ratio उल्टा होगा, रिवर्स होगा। और अगर टाइम रेशियो पूछ दिया जाए कि टाइम रेशियो, तो यूं समझ लो कि स्पीड रेशियो को उलट देंगे, यानी स्पीड रेशियो का उल्टा होगा, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है, सीधा बात है, जो रेशियो उसका आएगा उसको हम लोग क्या कर देना, चेंज कर देना है बस। अब ये 1/ कहने मतलब ये ऐसे मत रखना, 1/x/y, ठीक है, इसका कहने के ये 1/ कहने तक उल्टा पलट देंगे हम लोग, ऑटोमेटिक पलटा जाएगा हमारा, तो ये सीधा सीधी आप हिसाब रखना है, मतलब कि सीधा अगर यूं समझ लो कि सीधा बात है, अगर स्पीड रेशियो आपको, स्पीड आपका a अनुपात b है, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, बी अनुपात ए हो जाएगा। इस उल्टा का मतलब हम यहाँ 1/ लिख रहे हैं, अब ये 1/a^b मत लिख लेना कोई, और वहां भी लिखोगे 1/a^b तो आएगा हमारा सेम चीज आएगा, अगर 1/a^b इसका मतलब 1/a/b मतलब कि b बाई क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो वो हमेशा आपका क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। ये किस कंडीशन में होता है हमारा, जब हमारा क्या हो जाए सर, डिस्टेंस फिक्स हो जाए, उसी तरह से हम लोग टाइम फिक्स करेंगे और स्पीड फिक्स करेंगे, तीन कॉन्सेप्ट बनेगा, उसके बाद और सारा कॉन्सेप्ट है, आना जाना मिलना जुलना बहुत सारा है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे सबके सब सीख लेंगे, फिलहाल इसको ध्यान करेंगे और इसको आप लिख लेंगे। आप वीडियो रोक के लिखेंगे, हमको रुकने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बढ़ेंगे। जैसे इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम सीधा क्वेश्चन में लैंग्वेज पे अगर मान लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक होगा, अपना स्पेलिंग आप ध्यान दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे हम बोल देते हैं कि लिख लो राम कोई डिस्टेंस
कोई डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाता है। ठीक है, बोला कि राम कोई भी डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाता है। फिर बोल दिया रहीम, श्याम लिखो, राम का जोड़ी श्याम से ज्यादा अच्छा लगता है, श्याम उसी डिस्टेंस को देखिए, ये सब का पीडीएफ लगेगा, अभी बस हम एक कॉन्सेप्ट करा रहे हैं तो पीडीएफ काट के यहाँ पे लगाने में एक समय लगता है, हम लिख ही देते हैं। उसी डिस्टेंस को श्याम उसी डिस्टेंस को 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाता है। यदि दोनों द्वारा लिया गया समय का योग 18 घंटा है तो डिस्टेंस ज्ञात करें, जो दूरी उसने चला था वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका हम लोग तुरंत भी बनाएंगे और इसको समझने के लिए बेसिक से, अगर मान लेते हैं आप बच्चा को पढ़ा रहे, क्लास 8, 7, 9 का बच्चा आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको ट्रिक से बताएंगे तो वो अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में अपना एग्जाम में बनाएगा, वो जो सब्जेक्टिव उसका एग्जाम होगा उसमें अगर वो ट्रिक से बनाएगा तो उसको नंबर नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। इसलिए अगर उसको आपको बताना है तो उसको बेसिक बताना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि सर ये डिस्टेंस हमारा क्या है, सर मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा कितना है, डी है, इधर आपका क्या है, राम है, कितना की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इधर आपका श्याम है वो कितना की स्पीड से जा रहा है, तो श्याम जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राम को इतना डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा, तो राम को यही डिस्टेंस जाने में जो समय लगेगा डी बाई 60 घंटा लगेगा, श्याम को यही डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा, तो श्याम को यही डिस्टेंस जाने में लगेगा डी बाई 30 घंटा लगेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों समय का जोर कितना आ रहा है, जो समय राम लिया जो समय श्याम लिया उन दोनों के टाइम का जो जोर है वो कितना आएगा, यानी कि सर कहेंगे कि डी बाई 60 और प्लस में डी बाई 30 जो कितना है सर वो 18 घंटा है ना। अभी यहां से बड़ी इज्जत से एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 60 और 30 का एलसीएम 60 होगा, यहाँ डी आएगा और 30 से दो बार में लिया यानी कि 2D आएगा और बराबर में कितना आएगा 18 घंटा। अभी यहाँ 3D और बराबर में 18, यहाँ पे मतलब डिस्टेंस से लिखना है तो हम लोग यूनिट कहला लिखेंगे, यूनिट से कौन मतलब है, लास्ट में यूनिट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3D बराबर में 18 गुना में क्या 60 कट जाएगा हमारा कई बार में 6 बार में, तो डी बराबर में 360 और डिस्टेंस यहाँ किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर आप मान के चल रहे हैं और स्पीड भी आपका किलोमीटर में है और समय का जोर भी आपका क्या है घंटा में। एक ऐसे हम इसको बनाएंगे, एक मेथड हमारा ये है, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे स्पीड का साफ साफ चर्चा किया है, जैसे अगर देखें एग्जाम में आप प्यार से राम और श्याम लिखा था सीधे आर और एस लिख दीजिएगा, ये राम और क्या है श्याम है। अब इसको अच्छे समझिएगा, ये काम का चीज़ है कि इन दोनों के स्पीड का रेशियो कितना है। स्पीड रेशियो अगर देखें तो एक वो चल रहा है 60 की स्पीड से और एक वो चल रहा है 30 की स्पीड से, यानी कितना का रेशियो है, 2:1 क्या है, 1 है ना। यानी मान लेते हैं कि दो यूनिट इसका है और एक यूनिट उसका है, और यहाँ से अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो इसको उलट देंगे, यानी कि सर ये 1:2 आपको पहले बताए हैं कि जब आपका डिस्टेंस फिक्स हो और जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो हमारा जो स्पीड का रेशियो होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा टाइम के रेशियो का, या जो हमारा टाइम का रेशियो होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा स्पीड के रेशियो का। तो बस वही चीज़ है, यानी कि ये 2:1 है तो ये 1:1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि राम को अगर एक यूनिट टाइम लगेगा तो श्याम को कितना यूनिट लगेगा, 2 यूनिट लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का सम, तो दोनों का सम कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, लेकिन 3 यूनिट तो हमको आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं, दोनों का सम कितना घंटा है, 18 घंटा, यानी कि जो हमें और आपको 3 यूनिट आ रहा है दोनों के टाइम का जोर 18 आवर, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 18 आवर है,
तो आप यहाँ से कह सकते हैं ना कि सर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 18/3 आवर, यानी कि सर 6 आवर। अब यहाँ से फटाक से सबका निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर कि देखिए एक यूनिट का वैल्यू 6 घंटा है, श्याम को कितना लग रहा है बता सकते हैं? श्याम को 2 यूनिट समय लग रहा है, 2 यूनिट समय यानी कि श्याम का समय कितना होगा 12 घंटा। आप सीधा समझ देखिए एक यूनिट का वैल्यू 6 घंटा तो 2 यूनिट का वैल्यू 12 घंटा नहीं हो जाएगा। उसके बाद राम को 1 यूनिट लग रहा है यानी कि ये समय लेगा 6 आवर ही, मतलब कि अब देखो सबका सब पता है श्याम का स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर और राम का स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर देखिए श्याम 30 के स्पीड से 12 घंटा चला तो कितना डिस्टेंस चला होगा बोलिए ना, कितना डिस्टेंस चला होगा? तो वो डिस्टेंस चला होगा 12 36 360 किलोमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। राम जो है 60 की स्पीड से 6 घंटा चला तो कितना डिस्टेंस चल गया? तो डिस्टेंस चल गया वो 60 × 6। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस चला आपका कौन? राम। और यहाँ से कह सकते हैं 360 किलोमीटर डिस्टेंस चला कौन? श्याम चला। तो इससे बहुत सारा लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा भी जैसे अगर ये स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में अगर कोई भी लॉजिकली उस टर्न करेगा, जैसे वो कह देगा क्या कि एक पहले से इतना समय ज़्यादा ले रहा है या दूसरे से थोड़ा कम समय ले रहा है, ये सब चीज़ मैनेज हो जाता है। और हम लोग अगर बेसिक से बनाए तो इसका बेसिक मेथड भी भारी नहीं है, उससे भी उतना ही समय लगेगा अगर कैलकुलेशन आपका सही है तब। और अगर आप कैलकुलेशन में लेट करते तो फिर तो आप शॉर्ट ट्रिक पर के भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ है कि कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए, और कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर, यानी जब आप मैथ बनाने के लिए बैठे तो कैलकुलेटर लेके तो बैठे नहीं, मोबाइल से पढ़ना पड़ रहा है। तो अच्छा बात है कि कसम खा लो कि जब मोबाइल में यूट्यूब चला के रखेंगे तो सिर्फ यूट्यूब में जो पढ़ा रहे हैं टीचर वही देखेंगे ना, हम 1 घंटा के पहले छुएंगे, छुएंगे तब जब रोक के हमको वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा, उसके बीच में कितना भी नोटिफिकेशन, क्योंकि डाटा तो ऑन रहेगा, नोटिफिकेशन तो आना आएगा ही, तो नोटिफिकेशन आए तो हमको मोबाइल नहीं छूना, मतलब मोबाइल का यूज़ सिर्फ उतना ही करिए जितना से आपको पढ़ाई करना है, बाकी इतना खराब चीज़ है ना, इससे सबसे खतरनाक चीज़ और इससे बड़ा दुश्मन है स्टूडेंट का कोई और नहीं होता अगर इससे कोई उलझे नहीं तब। अगर आप इसमें उलझेंगे तो आपका ये पूरा जीवन चौपट करके रख देगा, क्योंकि इसके पास पूरा संसार है। अगर इसमें नेट मिल जाता है तो आपको मन लगने का 101 जरिया, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन लगाइए, ये मोबाइल में मन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल में मन लगाएंगे तो ठीक है अभी मन लग जाएगा, फिर बाद में आपको मजदूरी करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि देखिए मजदूरी करना गलत बात है नहीं, कमा के खाना तो आप जैसे भी कमाइए, बस चोरी नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए, लेकिन क्या आप बने हैं उस चीज़ के लिए? पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर मजदूरी क्यों करिएगा? जो नहीं पढ़ेंगे वो मजदूरी करेंगे, और मजबूर होकर मजदूरी करना तो वो तो एक अलग बात है, वो तो हमारा हम कह नहीं सकते, कुछ करना भी गलत बात है। सरकार चाहे तो तुमसे मजदूरी ही हमसे करवाएगा, उसको तो उनको तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा स्टूडेंट पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी एक पर एक मोटिवेट करने वाले आदमी बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, चाय बेच रहे हैं तुमको भी मोटिवेट करेंगे तुम भी चाय बेचो, पकौड़ी बेच रहे हैं तुमको भी मोटिवेट करेंगे तुम भी पकौड़ी बेचो, एक अजीब किस्म का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। चाय बेचने वाला को देख लिए, फलाना चाय वाला, ढिमका चाय वाला, लेमका ठीटा अल्फा बीटा चाय वाला, अब आप भी अरे यार, अब उससे बहुत अच्छा बात है, एक अच्छे तरह से हमको मोटिवेट करता है कि हम चाय बेच के भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि आप चाय बेचने के लिए बने, और ठीक है एक बात बताइए, सारा चाय वाला का फेमस चाय वाला ही हो जाएगा, सब फ्रेंचाइजी ही बांटेगा, तो फिर आप समझ रहे हैं आपका, आपको आसान लगता है ये चीज़ होना? वो मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कोई आदमी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आप चाय का अगर आप ठेला लगा लेते हैं तो क्या आप वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा आपको? आप लिख देंगे बेवफा चाय वाला, बेवफा चाय वाला है, इसका मतलब कि आपका चाय जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। इंटर चाय वाला, दसवां चाय वाला, या ग्रेजुएट चाय वाला, या पीजी चाय वाला, डॉक्टरेट चाय वाला, पीएचडी चाय वाला, एसएससी चाय वाला, बैंकिंग चाय वाला, रेलवे चाय वाला, ये नाम लिखने से आप उतने बड़े हो जाएंगे तो फिर लिखिए, पढ़ाई मत करिए। तो आपको सीधा बात बताते कि वो मोटिवेशन लेके जो हम लोग करते हैं कुछ, उसका ज़रूरत नहीं है। आप मोटिवेशन लेके कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, मोटिवेशन लेके बस सोते सोते अरे अभी उठेंगे आप पढ़ के फाड़ देंगे,
फिर उठेगा, दो चार मिनट में फिर सो जाएगा। तो सबसे आसान अगर बताते तो पढ़ाई है। हम ये बिजनेस करके बराबर ठीक है, कोई आदमी हम ये नहीं करे बिजनेस, बिजनेस भी है, बिजनेस भी आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। अब ट्राई करिए ना, पढ़ाई लिखाई पर ट्राई करिए, एक दो तीन साल में नहीं होता है तो ज़्यादा लंबा समय इसमें देने की जरूरत नहीं। अगर तीन चार अटेम्प्ट में आप कुछ नहीं निकाल पा रहे तो ठीक है, हम ये भी नहीं कहेंगे आप 10 अटेम्प्ट करिए यूपीएससी निकालिए। वो 100 में एक के साथ होता है क्या? हर कोई आदमी 10वां अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल लेता है, 8वां? अरे उतना दिन तुम्हारा मोरल बचेगा तब तुम कुछ करेगा। 4 बार एग्जाम देता है आदमी का मोरल टूट जाता है, आप हमसे नहीं होगा, आप छोड़ देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि लंबा अटेम्प्ट के चक्कर में ना पड़ो। तुम कोई भी एग्जाम को एक दो तीन, तीसरा हो गया आखिरी, उतने अटेम्प्ट में करने की कोशिश करो, उतना जोश से मेहनत करो। तुम लंबा अटेम्प्ट करोगे तुम्हारा मोरल ही नहीं बचेगा कि तुम बार बार तैयारी करोगे। इससे अच्छा है कि हम सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में कोई भी चीज़ पकड़ लेते हैं, वही बेटर रहेगा हमारे लिए। और फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप बिजनेस में उतर जाओ, उतना समय बिजनेस में भी दोगी तो वो भी हमारा क्या करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दोनों में अगर एक साथ हम कंपेयर करें तो हमें तो लगता है कि बिजनेस करके बिजनेस को ग्रो कराने में जो समय लगता है उससे कहीं कम समय और कम मेहनत में अगर खाली आप रात को अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप पढ़ के आप अपने मन लाइक जॉब ले सकते हैं। और नहीं, अगर आप मेंटेलिटी है आपका कि हम बिजनेस करें तो उसके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है, आप बिजनेस ही करो, फिर पढ़ाई में टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं। तो पहले अपना माइंड सेट करें कि आपको करना क्या, बिजनेस करना तो उधर जाइए बिजनेस में, जरूरत नहीं है कि हम पढ़ाई करें टाइम वेस्ट करें। हिसाब किताब आना चाहिए, लिखिन आना चाहिए, हो गया बिजनेस चलेगा। और अगर पढ़ाई करना है तो बिजनेस छोड़ के आप पढ़ाई में लग जाइए। लेकिन आप पढ़ाई करते समय देखेंगे नहीं फलाना चाय वाला खोला, चाय वाला फेमस हो गया, शायद हमको भी यही करना चाहिए, तो आप पढ़ भी रहे ना चाय का दुकानें खोल लें, तो बाद में दुकान में जाके प्लेट धोने लायक बचेंगे ना आप। इसलिए डेडिकेट हो जाओ, दिमाग से काम करो और पढ़ाई पर ध्यान करो। और कैलकुलेशन देखिए, बात कैलकुलेशन से उठा कहाँ तक पहुँच गया, इसीलिए कभी कभी हम कोई टॉपिक नहीं छेड़ते, पता चलेगा क्लास खत्म हो जाता है उसी में। कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर कभी ना यूज करो। अगर मैथ आपका मजबूत करना है तो आप जोर घटाओ पे ध्यान दो, जोर घटाओ भी बोलता है ना हमको, जोर आता है उसे फटाफट पूछो 30, 15, 45 जोड़ते जाओ तो वो थक जाता है। और इसका सिंपल सा उपाय हम बताते हैं, हम कई बार क्लास में बोले हुए थे, मार्केट में चलते हैं ना रोड पे पोस्टर देखते हैं उसमें डिजिट लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, मोबाइल नंबर, सबको जोड़ते जाओ, कहीं 10 मिले, कहीं 15 मिले, 25, कहीं 3 मिले, 28, कहीं 2 मिले, 30, करते चले जाओ, देखो कैलकुलेशन कैसे तेज होता है। ठीक है, चलिए, खैर उसके चक्कर में पढ़ेंगे अभी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये अभी हम जो करें उसमें और कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं, फिर बाकी। आज ऐसे भी माइक प्रॉब्लम हो रहा था, लाइट प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम आज ही हो रहा था, फिर जब सब कुछ चलने लगा तो बारिश होने लगा, सब जगह से अंधेरा हो गया, लाइट भी कट गया। तो थोड़ा सा कम पढ़ेंगे हम लोग आज, फिर कल से इसमें और आगे, जैसे अभी हम बता रहे हैं उसी सवाल का ऐसे भी रहेगा। मान लेते हैं आपका ये डिस्टेंस है, कोई सर्टेन डिस्टेंस डी है, और आप इधर गए, आप इधर से यहाँ तक गए, यानी जा रहे हैं आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आ रहे हैं आप, आपने इधर आया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ऐसे करके आपको टोटल टाइम लग गया, टोटल टाइम जो लग गया आपको वो लग गया मान लेते हैं 21 आवर। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बराबर व्हाट। तो सिंपल सा बात है, आप जा रहे हैं किस स्पीड से, 40 के स्पीड से, और आ रहे हैं किस स्पीड से, 30 के स्पीड से, यानी स्पीड रेशियो जो है आपका जाने और आने का जो स्पीड रेशियो है वो कितना दिखाई दे रहा है, 4:3 दिखाई दे रहा है। तो जब स्पीड रेशियो 4:3 है तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा सर, तो जो टाइम रेशियो है वो होगा हमारा 3:4, यानी कि आपको जाने में 3 यूनिट समय लग रहा है तो आने में कितना यूनिट समय लगेगा, 4 यूनिट। यानी टोटल देखा जाए तो जाने और आने के टाइम का जो सम होगा 7 यूनिट होगा, होगा कि नहीं होगा। और 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 21 घंटा है। 7 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 21 आवर दे रखा है। तो आप सीधा बताइए ना कि अगर हम आपसे पूछे कि आपको जाने में कितना समय लगा है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 21, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या, 70 21, यानी कि 3 घंटा। तो ये जा रहे हैं 3 यूनिट समय लग रहा है, यानी कि जाने में आपको 9 घंटा समय लग रहा है और 4 से 12 घंटा आपको आने में समय लग रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, कोई से निकाल दीजिए, गए किस स्पीड से, 40 की स्पीड से, जाने में समय कितना लगा, 9 घंटा, तो गुना कर देंगे 9 × 36, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक बात था डिस्टेंस का, टाइम डिस्टेंस का। हम इसको और भी देखेंगे कल,
हम आज बस सिर्फ इतना ही छोटा वीडियो नहीं देते, और वैसे भी आज क्लास में हम इतना ही पढ़ाए थे, तो जो क्लास भी अब सेंड किया है वो इसको देख लेगा, तो उस कल से वो क्लास लाइक भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लंबा वीडियो देंगे हम, डेली 40 से 45 मिनट का वीडियो देंगे, और हम मतलब कि वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि सप्ताह में मिनिमम चार वीडियो हम आपको दे, कोई भी टॉपिक का मिला के जो आपके एग्जाम पर्पज से हेल्पफुल हो, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।